हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम। तो आज मैं आपको लेडीज़ पैंट में फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक लगाना सिखाऊंगी। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप इस तरह से लगा सकते हो। तो गाइस, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आसन को स्टिच कर लिया है, साइडें भी जॉइंट कर ली हैं और पॉकेट वगैरह भी आपको अटैच कर लेनी है। उसके बाद हम इसमें फ्रंट बेल्ट और बैक में इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें 29 इंच की कमर तैयार करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये पेस्टिंग लेंगे, पेस्टिंग मैं लूँगी और इलास्टिक लूँगी, दोनों की जो चौड़ाई है वो बराबर ली है मैंने। तो पेस्टिंग की जो लेंथ है वो कुछ इस तरह से आपको मेज़र करनी है। तो मैंने यहाँ पे 11.5 इंच ली है पेस्टिंग, और उसके बाद हम लेंगे इलास्टिक। तो इस तरह से मैं इसे मेज़र कर लूँगी। इलास्टिक लगाने के साथ आपको इस तरह से मेज़र करना है, मुझे टोटल 29 इंच करनी है। आप चाहें तो इलास्टिक और पेस्टिंग दोनों इक्वल भी ले सकते हो, आधा आधा। तो मैंने 11.5 इंच ली है पेस्टिंग, बाकी जो बचे इंचेस हैं वो मैंने इलास्टिक लिया है। कटिंग के समय हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, जो कि नॉर्मली फोल्ड करने के लिए हम लेते हैं। तो इसमें हम एक साथ दोनों चीज़ अटैच करेंगे। तो जो हमने पेस्टिंग ली है ना, उसे सेंटर से फोल्ड किया है और मार्क कर लेना है, इस तरह से सेंटर पर मार्क कर लेना है। अब इसको ना आसन पे रख देंगे, ये जो आसन है ना इसके ऊपर इस तरह से रखना है। और जो हमने 2.5 इंच का मार्जिन लिया है ना, निशान लगा लिया है हमने उल्टी साइड से भी, अब आपको उल्टी साइड पे से सेंटर पे रख के प्रेस से चिपका लेना है पेस्टिंग को। तो यहाँ पे मैंने चिपका लिया है। अगर आप बुकरम ले रहे हैं तो उस पर सिलाई लगा लें, पेस्टिंग ले रहे हैं तो वो चिपक जाएगा। और पूरे राउंड पर आपको ना 2.5-2.5 इंच पर मार्क कर लेना है, ये हमारा फोल्ड में जाएगा इतना। और निशान इसलिए लगाना है ताकि कम या ज़्यादा फोल्ड ना हो। तो अब हमने क्या करना है, इलास्टिक को इस तरह से रखना है और जॉइंट करना है। फिर हमने दूसरे कोने को इस तरह से फोल्ड करना है और इसे भी जॉइंट कर लेना है। तो ये हमें पूरा राउंड की तरह बनाना है सर्कल, ये ऐसा नहीं है कि उल्टा लगा देना है, ऐसा नहीं करना है। तो पूरा हमारा सर्कल बनना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमने दोनों कॉर्नर जॉइंट कर लिए हैं। अब आती है बारी इसको कपड़े को फोल्ड करने की। तो इसे ना हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको मशीन पे बताऊंगी। तो ये निशान के इस अकॉर्डिंग ही हमने फ़ोल्ड करने हैं, इससे कम या ज़्यादा आपका फोल्ड नहीं होगा। और जो पेस्टिंग है ना, उसके कॉर्नर पे पहले हम एक सिलाई लगा लेंगे ताकि जो पेस्टिंग है वो हमारी हिले ना। तो यहाँ पर जो जॉइंट है ना इलास्टिक का और पेस्टिंग का, उस पर हमने इस तरह से एक सिलाई लगा ली है। अब हम पेस्टिंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे, जो बेल्ट है हमारी। तो बेल्ट के ऊपर इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे जब तक हमारा जॉइंट नहीं आ जाता इलास्टिक और बेल्ट का। तो जब तक आपको सीधा सिलाई लगानी है। अब हमारा ये जॉइंट है यहाँ पे, तो इस पे यहाँ तक हम लेके आएंगे सिलाई को और सुई को नीचे करेंगे और इसे घुमा के पक्का कर लेंगे इस तरह से। बेल्ट को हमने फिक्स कर लिया है दोनों जॉइंट पर डबल सिलाई लगा के। अब हम इलास्टिक पे सिलाई लगाएंगे ना, खींचेंगे तो बेल्ट हमारा कहीं भी हिलेगा नहीं। अब आपको इलास्टिक के लिए कपड़ा इस तरह से फोल्ड करना है, और ना आपको ऐसे सिलाई लगानी है कि इलास्टिक के ऊपर ना चढ़े सिलाई, इलास्टिक से हट के सिलाई लगे हल्की सी। जो हमारा फुट है ना, इसका एक पैर हमारा इसके ऊपर आना चाहिए इलास्टिक के और एक नीचे। इससे क्या होगा ना, इलास्टिक पे सिलाई नहीं चलेगी और मशीन चलने में इजी रहेगी। और इस तरह से फोल्ड करते जाना है और इलास्टिक को अंदर दबाते जाना है। और इलास्टिक पे ना सिलाई चढ़नी नहीं चाहिए, इस तरह से आपको फिंगर से देख लेना है। आपको इलास्टिक के बराबर से सिलाई लगानी है, इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी है। और जो हमने 2.5 इंच का पूरे पर निशान लगाया ना राउंड में, उससे ज़्यादा आपको फोल्ड नहीं करना है, वो निशान हमारा किनारे पर रहना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर आप बिगनर हैं तो फोल्ड करने में इजी होगा और छोटा बड़ा नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारा कपड़ा जो है वो ज़्यादा हो रहा है, इलास्टिक छोटा पड़ रहा है। तो आपको इस तरह से खींचना है और गैदर को पीछे की साइड कर देना है। इस तरह से आप खींचेंगे तो इलास्टिक थोड़ा हमारा बड़ा हो जाएगा और गैदर एक तरफ को इकट्ठी हो जाएंगी, तो हमें फोल्ड करने में ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है, जो जॉइंट है ना, इसको आमने सामने रखना होता है फोल्ड करते समय। ये जो चार जॉइंट आएंगे, दो आसन के आएंगे और दो साइडों के आएंगे, तो सभी जॉइंट जो है वो आमने सामने होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर ज़रा भी आगे पीछे होंगे तो आपके नेफे में झोल आएगा। तो ये जॉइंट को हमें बराबर करने के लिए इस तरह से आप एक आध क्रीज भी डाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो बैक साइड का आसन है ना,
वो तिरछा कट होता है, तो इसीलिए फोल्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है बैक साइड के आसन में। तो उसको थोड़ा स्लो प्रोसेस से ही फोल्ड करें, क्योंकि तिरछी कटिंग होती है तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, जो जॉइंट हैं चारों वो एक दूसरे के आमने सामने आने चाहिए। तो इस तरह से हमने पूरा नेफा फोल्ड कर लेना है, इलास्टिक को लगा लेना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, फिर से इलास्टिक को हमने खींचना है और बराबर करना है, तो हमारा जो झोल है वो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो इस तरह से भी आप भी फोल्ड करें। अब यहाँ पे आप देखेंगे जॉइंट आ गया है हमारा, जो हमारा बेल्ट और इलास्टिक का जॉइंट है, वहीं पे आपको इसे कंप्लीट करना है, फिनिश कर देना है। तो यहाँ पे हमारी इलास्टिक तो इसमें अटैच हो गई है। अब हमें क्या करना है, जो इलास्टिक की गैदर है वो इक्वल करने हैं। तो इस तरह से ना 2 से 3 बार खींचते रहना है जब तक ये इक्वल नहीं हो जाते, क्योंकि एक तरफ को है अभी हमारे ये गैदर, तो पूरे में इसे फैला लिया है मैंने गैदर को। अब आपको सेंटर में सिलाई लगानी है। तो सुई को हमने नीचे की ओर रखा है, एक दो टाँका लगा लिया है। अब इसे रोकेंगे और इस तरह से ना हथेली की सहायता से नीचे की ओर खींचेंगे, ताकि इस नेफे के अंदर जो झोल है वो नीचे की ओर हो जाए। क्योंकि जब हम इलास्टिक डालते हैं ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये अंदर की ओर गहराई में चली जाती है। तो इसको खींचेंगे और इसका झोल निकालेंगे एक हाथ से, इस तरह से खींचते हुए। तो पहले नीचे की ओर खींचा है मैंने, उसके बाद इलास्टिक को खींचा है, और सेंटर में सिलाई लगाते जाना है। एक चीज़ और याद रखनी है आपको, सुई हमेशा नीचे की ओर होनी चाहिए जब आप इलास्टिक को खींचेंगे, अदरवाइज़ आपके हाथ में भी लग सकती है। तो इस तरह से आपको इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगा देनी है। तो बिल्कुल रेडीमेड की तरह ये हमारी बनके कंप्लीट हुई है। फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक की कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपकी इलास्टिक और बेल्ट फिनिशिंग के साथ लगेगा तो इस तरह से नज़र आएगा। अगर आप बेल्ट अलग से लगाते हैं और इलास्टिक अलग से लगाते हैं, तो साइड में जो जॉइंट आते हैं वो थोड़े से चुभते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं, और बेल्ट ज़्यादा हो जाता है, बैक का इलास्टिक कम हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप इस तरह से फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक एक साथ लगाएंगे तो फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और देखने में भी सुंदर लगेगा। तो अभी मैंने इस पर आयरन भी नहीं किया है, फिर भी बहुत अच्छी फिनिशिंग नज़र आ रही है। और आप चाहें तो फ्रंट में बेल्ट और इलास्टिक बराबर ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 28 इंच की कमर है, तो 14 इंच की इलास्टिक और 14 इंच की बेल्ट आप ले सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा आगे आगे की ओर रखी है बेल्ट, और हमने इसमें साथ में साइड की पॉकेट भी अटैच की है, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। पैंट कटिंग एंड स्टिचिंग की फुल डिटेल में वीडियो बहुत बार मैंने शेयर की है, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग की बहुत सारी वीडियोज़ हैं। फ्रंट बेल्ट और बैक इलास्टिक की डिटेल में वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें।